नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौट। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से वो उत्तराखंड में अपनी सरकार बना लें। लेकिन इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। और उनके स्ट्रोक के बाद सभी राजनीतिक दल, यानी कि जो मुख्य राजनीतिक दल उत्तराखंड में है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर UKD, सभी कहीं ना कहीं टेंशन में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनने के साथ ही वो उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसके साथ ही चुनाव के इस माहौल में सभी राजनीतिक दलों की टेंशनें भी खूब बढ़ चुकी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत है जो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाएगा, यानी कि क्या उत्तराखंड में इसकी ज़रूरत है या नहीं, या फिर BJP राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ने की अब तैयारी कर रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसको लेकर विपक्षी दल भी कहीं ना कहीं परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। समान नागरिक संहिता, यानी कि सभी लोगों के लिए समान कानून होना। इससे पहले शादी, तलाक और संपत्ति के लिए सभी धर्म के अलग अलग कानून हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सभी के लिए समान कानून बन जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सभी धर्मों को एक ही कानून के तहत चलना होगा, चाहे वो विवाह के कानून हो, तलाक के कानून हो या फिर संपत्ति के कानून हो। तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उत्तराखंड के सभी जाति के लोगों को भी मिल सकता है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब विपक्षी दलों की टेंशनें बढ़ गई हैं। अब सोचना होगा कि उत्तराखंड में इसका कितना फ़ायदा BJP को मिलता है और इसका कितना नुकसान अन्य दलों को उठाना पड़ता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ अपने मंचों से यही घोषणा कर सकते हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी है। और वो अपने प्रदेश में भी अन्य विपक्षी दलों की टेंशनें बढ़ा सकती हैं। अभी तो 10 मार्च का दिन ही बताएगा कि आखिरकार इसका कितना फ़ायदा उत्तराखंड में भाजपा सरकार को होता है और कितना नुकसान अन्य दलों को होता है। और भी कहीं ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।